हाँ, तो यहाँ से हम फॉर्मूला रिवीजन से स्टार्ट करते हैं मेरी रिकॉर्डिंग में जो है। तो फॉर्मूला में वीक एसिड के कौन कौन से फॉर्मूला होंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। वीक एसिड के लिए H प्लस निकाला जाता है, तो H प्लस का एक फॉर्मूला सी अल्फा होता है, H प्लस का दूसरा फॉर्मूला अंडर दी रूट के ए इंटू सी होता है, के ए का फॉर्मूला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है, जिसको अप्रोक्सीमेशन लेकर के आप सी अल्फा स्क्वायर भी लिख सकते हो, मतलब 1 माइनस अल्फा को हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी थी। बिल्कुल पैरेलल मैनर में हम वीक बेस के फॉर्मूला भी लिख लेंगे। वीक बेस, बेस का OH होगा ना, तो OH माइनस के क्या फॉर्मूला, ऊपर था सी अल्फा, यहां पर भी सी अल्फा। दूसरा OH माइनस का क्या फॉर्मूला, अंडर द रूट के बी टू सी, ठीक है। तीसरा के बी का एक्सप्रेशन, के बी हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जिसको कि हम सी अल्फा स्क्वायर भी कह सकते हैं। सी फॉर कंसेंट्रेशन और अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस ये पढ़ने के बाद हमने वाटर के लिए पढ़ा था फॉर्मूला। वाटर के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, के डब्ल्यू, के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, H प्लस इंटू ओ एच माइनस। एक बार सारे फॉर्मूला सब लोग ये नोट भी करते चलो, हालांकि आप लोग एक दो बार कर चुके हो और रिविजन भी हो चुका है इसका, H प्लस ओ एच माइनस, ठीक है। फिर हम पूरी इक्वेशन का अगर लॉग ले लेते हैं तो ये बन जाता है आपका पी के डब्ल्यू इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच। मैं डेरिवेशन नहीं लिख रही, डायरेक्टली लिख रही हूं, ठीक है। और 14 इक्वल्स टू पी एच प्लस पी ओ एच, ये फॉर्मूला वाटर से आ गए थे, ठीक है, वाटर वाले एक्सप्रेशन से ये फॉर्मूला आ गए थे। तो हमने तीन हेडिंग्स पढ़ ली, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक बेस, फॉर वाटर। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करवाया था पीएच कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा किया था, ये भी फॉर्मूला में चल रहा है अभी, पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में बता रही हूं, तो पहले तुम क्वेश्चन में चेक करोगे ये एसिड के लिए है या बेस के लिए। फिर अगर एसिड है सपोज, तो तुम चेक करो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन होगा या स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्वेश्चन होगा या वीक एसिड का। इसी तरीके से बेस के लिए भी चेक करो, वो स्ट्रॉन्ग बेस का क्वेश्चन होगा या फिर वीक बेस का। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैंने तुम्हें तीन केस दिए थे, जिसमें से दो केस तुम्हारे सिलेबस में वही लिख रही हूं। अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो डाइल्यूट का फॉर्मूला होता था पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, और अगर वेरी डाइल्यूट है, ये दो हेडिंग तुम्हारे सिलेबस में डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट, ठीक है, तो होता था पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस की मोलर कंसंट्रेशन प्लस 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस का होता था, अगर स्ट्रॉन्ग बेस डाइल्यूट वाला है तो तुम बेस का निकालोगे पीओएच, नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस, ठीक है। और अगर वेरी डाइल्यूट का है तो क्या करोगे, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच माइनस प्लस 10 की पावर माइनस 7, ऐसे निकल जाता था, ठीक है। फिर वीक एसिड और वीक बेस, इसका हम नीचे लिख लेते हैं। वीक एसिड के दो केस थे, इफ सी अल्फा गिवन, ठीक है, तब आप H प्लस की वैल्यू सी अल्फा वाली लगा दो और पीएच वाले फॉर्मूला में रख दो, ठीक है। और अगर इफ के ए एंड सी गिवन, तो फॉर्मूला H प्लस का कौन सा वाला लग जाएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका अंडर द रूट के ए इंटू सी। और फिर क्या करना, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, इनमें इस एच प्लस की वैल्यू को पुट कर दोगे आप जो भी क्वेश्चन की नीड होगी, ठीक है। बिल्कुल सेम मैनर में बेस के लिए आ जाएगा कि अगर सी अल्फा गिवन है या फिर के बी एंड सी गिवन है, तो आप यहां से ओ एच माइनस की वैल्यू को निकालेंगे, इधर भी सी अल्फा होती है और इधर कितनी होती है, अंडर दी रूट के बी इंटू सी होती है। फिर आप फॉर्मूला लगा दोगे पी ओ एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस, फिर इनमें ओ एच की वैल्यू को पुट कर देंगे आप, ठीक है। और इससे पी एच निकालना है तो 14 माइनस पी ओ एच, मतलब इस वैल्यू को रख देंगे आप यहाँ पर, तो बेस का पी एच आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहां तक की मैंने आपको कहानी करा दी थी। अच्छा, अब काफी बच्चे आ गए हैं, हम लोग स्टार्ट करें। पीएच कैलकुलेशन का टेबल याद करके आयो 11th क्लास।
फॉर्मूला वाला। अरे बोल के रिस्पॉन्ड करो फटाफट, हम लोग कनेक्टेड हैं। आशुतोष, आयुष, अनीश, अंशिका, अंबर, आरुष, एक बार बोल के रिस्पॉन्ड करो। यस मैम। यस मैम। रीमा, रिधिमा, यस मैम। निशांत, सना, सान्या, सोनी, शुभांकर, श्रीदा, तनीषा, उदित, यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, और वो टेबल याद हो गया, फॉर्मूला याद हुए हैं? यस मैम। हाँ, उसके बिना देखो भाई काम नहीं होगा। अब चलिए, आज पीएच के फॉर्मूला, सॉरी कैलकुलेशन बोल रही हूँ मैं, क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो अब आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें दिया, कैलकुलेट पीएच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट थे। पहला पार्ट, ये मैं तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन नंबर, चलो ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं देती, वो तुमसे करवाऊंगी मैं रैंडम देती हूँ। पहला पार्ट है मेरा 0.0004 mHi। ठीक है, बस एक ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें पीएच का कैलकुलेशन करना है, अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, तुम्हारे सामने क्वेश्चन जो भी आए पीएच का, सबसे पहला काम देखो क्या इसमें कहीं अल्फा दिया है, क्या इस क्वेश्चन में, इतना सा क्वेश्चन है बस जो ब्रैकेट में लिखा है। एम मतलब सी, मोलैरिटी होता है। मुझे ये बताओ क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर अल्फा दिया है? 11 क्लास बोलो, मुझे शोर चाहिए अपनी क्लासरूम में। नो मैम, नहीं दिया है। ठीक है, तो नो अल्फा गिवन। क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी के ए या के बी की वैल्यू लिखी है? बताओ तो। नो के ए और के बी गिवन। जब अल्फा और के ए नहीं दिया हो या के बी नहीं दिया हो, इसका मतलब जो भी दिया है इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये बताओ, ये एसिड दिख रहा है कि बेस दिख रहा है? इसमें एच बैठा है कि ओएच बैठा है? एच मैम, एसिड। एसिड कैसे पता चला? एच दिख रहा है। तो पहली लाइन में ये लिख देते हैं, इट हैज एच सो इट इज एसिड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तुमने ये प्रिडिक्ट किया कि अरे ये तो एसिड है, उसके बाद ये कौन सा एसिड है वो तुमने यहां से प्रिडिक्ट किया। ये कौन सा एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये क्यों है स्ट्रॉन्ग एसिड? क्योंकि ना तो इसमें अल्फा दिया है ना इसमें के ए का डाटा दिया है। मेरी बात समझ में आई? तो उस फ्लो चार्ट पर आगे बढ़े, तो सबसे पहले तुमने क्या डिसाइड किया, क्या प्रिडिक्ट किया? तुमने प्रिडिक्ट किया कि ये एसिड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहीं लिख के नहीं देगा एसिड या बेस, आपको पहचानना है। दूसरी बात कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तुमने वो चेक कर लिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड वाले कॉलम पर आ जाओ। अब जरा इसकी कंसेंट्रेशन चेक करना, ठीक है? इसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, देखो जरा 0.0004 m। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ 4×10⁻⁴ m? शुड आई राइट दिस? देख के बताओ 11 क्लास, बोलो। यस मैम, प्लीज। यस मैम, इसे ये लिख सकते हैं 10⁻⁷। देख के बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है, ये डाइल्यूट का है या वेरी डाइल्यूट का केस है? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन 10⁻⁷ देख के बताते हैं हमेशा, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है या वेरी डाइल्यूट? डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या रेंज होता था?
10 की पावर माइनस 1 से 10 की पावर माइनस 6, तो क्या ये वैल्यू इस रेंज में आती है? Yes, ma'am. ये आती है, इसका मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है. डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो अब क्या फॉर्मूला लगाओगे? तुम लगा दोगे pH is equals to negative log of H plus. ठीक है, negative log of H plus. अब इसमें HCl में H कितने हैं देख के बताओ. HCl में एक H है कि दो H है? एक H है, तो इसकी वैल्यू रख दो कितनी है, यही वैल्यू रख दोगे, यानी pH is equals to negative log of 4 into 10 की पावर माइनस 4. अब जरा इसको सॉल्व करो, log log a into b यानी log a plus log b, तो माइनस log 4 और माइनस log 10 की पावर माइनस 4, ये pH है. माइनस log 4 को क्या कर दोगे, माइनस लॉग 2 की पावर 2 कर दोगे, और माइनस लॉग 4 को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 4 लॉग 10. फिर 2 की पावर 2 को तुम लिख सकते हो माइनस का 2 लॉग 2 प्लस 4, लॉग 10 तो 1 होता है ना, तो ये लॉग 10 1 हो गया. अब ये माइनस 2 इंटू 0.3010 प्लस 4, और यहां से कैलकुलेट कर लो भाई कितना पीएच आ रहा है. बता दो फाइनल आंसर. पॉइंट 6020. एक मिनट, आप बोलना एक बार, मुझे अपने स्पीकर की थोड़ी वॉइस बढ़ानी है एक्चुअली. 4.6020. 4.6. हाँ, सबका यही 4.602 क्यों आएगा? ये माइनस है ना आगे, फोर से कम आएगा. 3.3980 ऐड कर दिया होता ना. कितना फिर से बोला? 3.3980. देख मैं सबको ये आंसर आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन देती हूं, क्वेश्चन नंबर 2. मैंने आपको दिया है 0. मतलब वही वो सेकंड पार्ट है उस क्वेश्चन का, ठीक है, सेकंड पार्ट 0.008 एम HNO3. ठीक है, क्वेश्चन करके बताओ मुझे. सबसे पहले पहचाना एसिड है कि बेस, फिर पहचानना स्ट्रॉन्ग है कि वीक, फिर पहचानना डाइल्यूट है कि वेरी डाइल्यूट. ये तीन चीजें पहचानी. क्या क्या पहचानी है मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ. सबसे पहले क्या पहचानोगे, ये एसिड है या बेस, जो भी दिया है क्वेश्चन में अक्सर नहीं लिखा होता. दूसरी चीज पहचाननी है कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक. तीसरी बात पहचाननी है ये डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट. ये तीनों बातें जो है क्वेश्चन वाला नहीं लिख के देता है, वो तुमसे जानना चाहता है. और H और O है तो एक सेकंड सोच, एक मिनट जरा, मुझे तुम्हारी वॉल्यूम आज कम क्यों सुनाई दी, मेरी स्पीकर क्यों नहीं आ रहा है. एक मिनट, हाँ हाँ, आप बताओ. बताओ ये रिधिमा ये एसिड है या बेस? एसिड लग रहा है. ये एसिड कैसे पता चला एसिड है? हाँ, कैसे पता चला ये एसिड है? इसमें हाँ, तो यहाँ पे लिख दो, इट हैज एच, इट हैज एच प्लस, so it is an acid. पहली बात क्लियर हो गई. अब उसके बाद
रुद्र, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, कैसे पता लगाओगे? रुद्र हाँ बोलो मैम, एक्चुअली पहला क्वेश्चन हो गया आपने। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें एच दिख रहा है, आपको ये डिसाइड करना था ये एसिड है या बेस। तो मैंने लिखा इट हैज एच प्लस, बिकॉज इट इज हैविंग एच प्लस सो इट इज एन एसिड। ठीक है, यानी ये वाली बात निकालनी है, ये वाली बात हमने निकाली जो मैंने साइड में लिखा है ब्लू कलर से। फिर सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना ये स्ट्रॉन्ग है या वीक। रुद्र कैसे पता लगाएंगे ये स्ट्रॉन्ग है या वीक? मैम इट इज स्ट्रॉन्ग। कैसे पता चला? ये मत बोलना मैम हम बचपन से जानते थे और ये एसिड तो हम पढ़ते आए हैं, ये नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन देख के देखो, दुनिया में हर एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक बनाया जा सकता है, वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, ये बातें 11th में या 12th में आके पता चलती हैं। तो ये नहीं बोलना HNO3 तो हमने बचपन से पढ़ा स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन देख के बताओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, कैसे पता लगाओगे? C तो हमेशा दिया होगा। ठीक है, सी तो मेन डाटा है, अल्फा और के बोलो। ठीक है, तो अल्फा एंड के, एसिड का के होता है नॉट गिवन, इसलिए ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हाँ सना अब तुम बताओगे ये डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट? डाइल्यूट है। कैसे पता चला? क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.08 मोल, मोलारिटी तो 8×10⁻³ हो जाएगा। हाँ। 10⁻³ का डाइल्यूटेड में आएगा रेंज। हाँ, डाइल्यूट का रेंज क्या होता है? हम 10⁻¹⁶। हाँ। ये रेंज सामने लिखो, ये रेंज है, इस रेंज में लाई कर रहा है, दैट मींस इट इज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट है तो डाइल्यूट का कौन सा फॉर्मूला होता था? डाइल्यूट का कौन सा फॉर्मूला होता था? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस। रख दो वैल्यू, सभी लोग सॉल्व करो अपनी कॉपी में। 8×10⁻³। हाँ रुद्र क्या हुआ? मैम बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक। ओके ओके नो प्रॉब्लम। चलिए log a इंटू बी है, इसको सॉल्व करें, log a प्लस log b होगा तो माइनस log 8 एंड माइनस log 10⁻³। एक मिनट जरा मैं भी सॉल्व करूं फिर बताना, 2 मिनट्स। हाँ, और ये बन जाएगा आपका माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लॉग प्लस 3 log 10, प्लस 3 log 10। ठीक है, फिर मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस का 3 log 2 प्लस 3 log 10, तो 1 होता है ना, तो मैंने इसको 1 लिख दिया। फिर ये आ गया आपका माइनस 3×0.3010। लॉग की 1, 2, 3, 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये बन गया आपका, अब बताओ कितना आ रहा है? 2.0970 देखना, सभी लोगों का यही आंसर आ रहा है क्या? यस। हाँ, जैद, विवेक, वैभव, उदित, फिर से बोल, माइनस था ना ये, मतलब माइनस भी तो मल्टीप्लाई हुआ ना ब्रैकेट में, यही पूछ रहा हूँ, है ना, तो इसलिए माइनस आ गया दोनों साइड पे। वैसे पता चला था, बट ठीक है, क्लियर हो गया मैम।
कहाँ से एक्सप्लेन करोगे? स्टार्टिंग से? नहीं, मुझे फोर्थ क्लास। अरे तुम्हारी आवाज बड़ी कट के आ रही है। तो देखते हैं, मैं यही यही से फॉर्मूला से कर दूं, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, यहाँ से करना है? नहीं मैम, इसके पहले। हाँ जी। ओके, तो सबसे पहले तो HNO3 में आपको H दिख रहा है, OH तो नहीं दिख रहा है ना कहीं, जैसे NaOH, OH होता है, यहाँ कहीं OH नहीं है, O और H साथ में नहीं है, सिर्फ H अकेला है, ठीक है? H अकेला है, तो इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, क्योंकि इसमें H प्लस है तो ये एक एसिड है, तो सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि अच्छा ये एक एसिड है। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि ना तो यहाँ पे अल्फा दिया है ना के ए का डाटा दिया है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि अल्फा और के ए ये वीक एसिड की पहचान होती है, वीक एसिड या वीक बेस की पहचान होती है, तो यहाँ पे के ए और अल्फा दोनों ही नहीं दिए, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का कभी ना अल्फा लिखा जाता है ना के। फिर मैंने ऊपर क्वेश्चन से इसका डाटा लिया, सी की कंसंट्रेशन, उसको 10 की पावर की टर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने देखा कि डाइल्यूट का रेंज होता है 10 की पावर माइनस 1 से 10 की पावर माइनस 6, तो ये जो माइनस 3 है ये इस रेंज के अंदर आ रहा है, समवेयर बिटवीन माइनस 1 एंड माइनस 6, तो इसका मतलब ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो अब मेरा जो फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट में डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है? नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन से एच प्लस की वैल्यू को रख दिया और इसको लॉग वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। देखो, समझ में आई मेरी बात? हम इससे पहले बात करेंगे। क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप? यस मैम। अच्छा, ये वाला ऊपर वाला वो सेम है, बस डाटा मैंने 0.004 mHi लिखा था, बिल्कुल सेम तुम चैट पे लिख दो, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी आवाज नहीं मुझे समझ आ रही है। हाँ, किसको? कृतिका का माइक निकल रहा है मैम। कृतिका? हाँ मैम, उसे क्वेश्चन डाउट। अच्छा उसे, अरे लड़की तो ये यहाँ क्यों नहीं लिख रही है, चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रही है? कृतिका, अच्छा लिखा है इसने, मैम कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ मैम, सॉरी। हाँ ठीक है, ओके कृतिका, मैं रिपीट कर रही हूँ। हाँ, मैं सेकंड क्वेश्चन ही रिपीट कर दूं क्या कृतिका? दोनों क्वेश्चन सेम है जो मैंने करवाया ना, बिल्कुल, बस डाटा और वो फॉर्मूला बदला है, एवरीथिंग इज सेम। ये तो मैंने अभी रिपीट भी किया था कि इतना मोलर HNO3 है, ठीक है? पहली बात तो कृतिका यहाँ मुझे दिख रही है कहीं? कृतिका इस कहाँ है कृतिका? कृतिका यहाँ है, ठीक है। फिर इसमें H है यानी ये एसिड है। देखो ये तीन बातें यहाँ पे साइड में जो लिखा है ना ब्लू कलर से, जिसको मैंने अभी सर्किल किया है बड़ा सा, इस पे ध्यान दो। हमेशा पीएच के क्वेश्चन करने से पहले इन तीन बातों को आपको जज करना जरूरी होता है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन एसिड पर है या बेस पर, फिर दूसरी बात वो स्ट्रॉन्ग है या वीक, फिर तीसरी बात वो डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है, ठीक है? तो मैंने सबसे पहले H देख के जज कर लिया ये एसिड है, मैंने अल्फा और के एक की वैल्यू नहीं दी थी इसलिए मैंने जज कर लिया ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट की रेंज में लाइक कर रही थी इसलिए मैंने जज कर लिया कि ये डाइल्यूट है। फिर मैंने जो तुम्हें फ्लो चार्ट लिखवाया था उस फ्लो चार्ट से मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर इस तरह से मैंने लॉग का एक्सप्रेशन सॉल्व कर दिया, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रही हूँ, साथ में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के साथ ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, 10 की पावर माइनस 7 मोलर HCl, ठीक है? 10 की पावर माइनस 7 मोलर HCl, कैलकुलेट pH, बस ये क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन से पहले क्या ध्यान रखोगे, किसी से सुनती हूँ, दिव्यांश, दिव्यांश, ओके, फैज, फैज, यस मैम, हाँ फैज, बताओ क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन करने से पहले किन तीन बातों का ध्यान रखना होता है? पहले अल्फा देखेंगे गिवन है या नहीं,
सबसे पहले क्या ढूंढोगे? ये एसिड है या एसिड है? दूसरी बात क्या ढूंढोगे? तीनों बात बताओ मुझे, दूसरी बात क्या ढूंढोगे? स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है या वीक? तीसरी बात क्या ढूंढोगे? डाइल्यूट या फिर वेरी डाइल्यूट। अब इस क्वेश्चन में बताओ, ये तुम्हें एसिड दिख रहा है कि बेस? एसिड। कैसे पता चला? रीजन भी बताओ। इट हैज एच, ओनली एच, एच ओ के साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है? दैट मीन्स कि इट इज एसिड, इट इज एन एसिड, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक? कंटिन्यू करो फिर पैस। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता लगाओगे? मैम अल्फा और के ए रखते हैं। अल्फा या फिर के ए दिया है क्या यहाँ पे? नॉट गिवन। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है कि नहीं? तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फिर ये डाइल्यूट है कि वेरी डाइल्यूट? वेरी डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट का रेंज -6 तक था, ये -6 से छोटा है, इसका मतलब ये वेरी डाइल्यूट है, ठीक है? ये 10^-6 से छोटा है ना, -6 मोलर से कम वैल्यू है, इसका मतलब ये वेरी डाइल्यूट है, ठीक है? किसी और से सुनते हैं। कृष्णा, कृष्णा ओके, मयंक, मयंक ओके, निशांत, निशांत अरे कोई है यहां? मयंक कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? निशांत, मयंक फॉर्मूला बताओ, निशांत फॉर्मूला बताओ। अच्छा कोई बात नहीं निशांत, अगर लिख सकते हो तो लिख दो वरना ठीक है, फॉर्मूला देख के बताओ फ्लो चार्ट से कौन सा लगाओगे। ऋतिकेश फॉर्मूला बताओ। मैम फॉर्मूला मैम -log(H+) एक मिनट प्लस -log(H+) +10^-7 ठीक है। हाँ अब बोलते जाओ आगे ऋतिकेश, अब वैल्यू पुट करते जाओ। H plus की log of 10^-7 plus 10^-7 very good, आगे बोलते जाओ। log 10^-7 plus इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 10^-7 10^-7 common लिया और 1 + 1 2 हो गया, तो 2 × 10^-7 अब इसका लॉग से एडिशन में ब्रेक कर लेंगे। हाँ हाँ माइनस लॉग ऑफ वेरी गुड प्लस माइनस लॉग 10^-7 नहीं प्लस क्यों आएगा अभी तो? अगर तुम ये बोल रहे हो तो प्लस नहीं आएगा अभी। माइनस हाँ माइनस लॉग 10^-7 अब इसको सॉल्व करो। हाँ बिल्कुल, तो -7 इधर आ गया, तो माइनस लॉग 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 7 लॉग 10 log 2 आगे बोलो। माइनस log 2 की वैल्यू बताओ। माइनस 0.3010 वेरी गुड प्लस 7 इनटू log 10 7 वेरी गुड, तो 0 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6991 टाइम्स आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है? ये इसका पीएच है। तो भाई बताओ ये समझ में आया? क्वेश्चन देख के कभी मत लिखना कि 10^-7 तो पीएच 7, ठीक है? हाँ ये क्वेश्चन हुआ। हाँ बोलो बोलो बोलो, हो गया? कोई परेशानी इसमें? चलो ऐसा अभी एक क्वेश्चन और देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, अब थोड़ा सा बेस का ही स्टार्ट करते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस मिक्स करके दूंगी तुम्हें,
तो ये मैंने तुम्हें एसिड का डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के केस करवाया. नाउ माय कमिंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम बाय 2000 KOH. M by 2000 से डरना मत, 1 by 2000 मोलारिटी हो गया, ठीक है. बस ऐसे लिखा हुआ आता है तो तुम्हें ये चीजें देखना पढ़ना आना चाहिए, इसे फैमिलियर रहो, इसलिए मैंने लिख दिया. तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज M by 2000 KOH है, इसका pH कैलकुलेट करना है, ठीक है. कैलकुलेट pH, वही क्वेश्चन चल रहा है, कैलकुलेट pH, कैलकुलेट pH. किसी को पकड़ते, तनीषा बताओ भाई कैसे करोगी. तनीषा, हाँ, अरे तनीषा माइक से नहीं बोलोगी. ओहो चलो तुम लिख के बताओ तनीषा, फिर सारे लिखो. श्रीदा. Yes, ma'am. हाँ श्रीदा बताओ क्या करें, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करें. मैम पहले मैम हम फाइंड करेंगे मैम ये एसिड है या बेस. मैम इट इज बेस मैम सिंस इट इज OH मैम. हां तो आप इसमें देखिए बिकॉज़ इट इज OH माइनस. हां मैम अगर अगर ये अगर KO एक आयन बन जाए और H प्लस अलग से आयन बन जाए तो फिर तो ये एसिड हो जाएगा. बन जाए तो, लेकिन ऐसा कभी आपने पढ़ा है कि KOH ऐसे टूटता हो H प्लस और KO माइनस? ये हमेशा जहां पर भी H और O साथ में बैठा ना OH वो अक्सर, और देखो OH O जब भी मेटल के साथ जुड़ा होगा ठीक है तो ये बेस ही होगा, ठीक है तो ये बेस ही होगा. वैसा बॉन्ड नहीं टूटता. देखो बॉन्ड तो वो टूटेगा ना जो जो वीक है. के और ओ का बॉन्ड वीक है नेचुरली, ओ और एच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है. तो ऐसा कभी हो नहीं सकता जो आप कह रहे हैं, ठीक है. हाँ तो बिकॉज इट इज हैविंग ओ एच माइनस इट इज बेस. हाँ बोलिए मैम. वीक बेस और वीक एसिड बनने के लिए दोनों सी और अल्फा देर कौन से ना, अगर एक भी देर दोनों में से एक भी, या तो एस सी तो होगा ही होगा, या तो अल्फा या के बी या दोनों अल्फा के बी सी अगर होता है एक भी अगर हुआ उन दोनों में से अगर एक भी हुआ तो इसका मतलब वीक है, ठीक है. हाँ दूसरा बताओ इसका क्या, इसमें क्या जज करूं स्ट्रॉन्ग है कि वीक. मैम स्ट्रॉन्ग. कैसे पता चला मैम? सिंस के मैम अल्फा एंड के बी मैम बोथ आर नॉट गिवन. के बी नॉट गिवन तो इसका मतलब ये वीक है. सॉरी क्या मैं क्या लिख रहा हूं, स्ट्रॉन्ग. हां स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. थर्ड पार्ट बताओ, थर्ड पार्ट क्या जज करेंगे हम. मैम इट इज डाइल्यूट. मैम डाइल्यूट या वेरी डाइल्यूट सी बताओ. मैम दिस इज डाइल्यूट. मैम दिस इज डाइल्यूट. हाँ, पहले सी कंसंट्रेशन बताओ. 10 की पावर बोलो, ये 1 बाई 2000. मैम 10 की पावर मैम 10 की पावर माइनस 3 मैम. 10 की पावर माइनस 3 नहीं पूरा उसको बनाओ. ये बन गया आपका हाफ यानी 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3. इसको मैं लिख सकती हूँ हाँ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4. तो आप जैसे भी देख रहे हो माइनस 3 या माइनस 4 की रेंज में सॉल्व, लॉग पॉइंट में सॉल्व नहीं करते. लॉग को जब भी सॉल्व करो तो हमेशा पॉइंट हटा के 10 की पावर में कन्वर्ट करो. तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा 10 की पावर माइनस 4. डाइल्यूट का रेंज मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ, लोग इनसे फैमिलियर हो जाओ, ठीक है. माइनस 1 से माइनस 6 होता है तो इट लाइज बिटवीन माइनस 1 एंड माइनस 6 रेंज. तो इसका मतलब ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है. बिल्कुल अब क्या फॉर्मूला लगाए श्रीदा डाइल्यूट के लिए. मैम पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ओएच माइनस बेस है, ध्यान से बेस है ये बेस है मैम. माइनस लॉग ओ एच माइनस स्टार्टिंग से बोलो पी ओ एच. मैम पी ओ एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओ एच माइनस. सबसे कॉमन गलती है जो अक्सर जल्दीबाजी में हो जाती है, बेस के लिए पी ओ एच. अब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे ओ एच माइनस की ये वाली वैल्यू, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4. चलो सब लोग सॉल्व कर दो इसको फटाफट से. माइनस लॉग 5 मैं भी सॉल्व कर देती हूँ इसको तब तक. माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4. फिर तुमने किया माइनस लॉग 5 कितना होता है 0.6991
और माइनस फोर इधर आ जाएगा तो प्लस फोर, लॉग टेन वन होता है तो मैंने इसको सीधे प्लस फोर कर दिया और ये आपका 3.3010 समथिंग। अभी हमारी जो मीटिंग है 5 मिनट्स में स्टॉप होने वाली है, ठीक है, सबको रिज्वाइन करना है। ठीक, मेरे पास का नोटिफिकेशन आया है 5 मिनट्स में, आप लोगों को भी आ रहा होगा, तो रिज्वाइन करना है, भागना नहीं है। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, ये आया है, अगर ये मेरा सही आया है तो POH, पर मुझे तो PH निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं PH is equals to 14 minus POH कर दूंगी, यानी इस वैल्यू को 14 में से माइनस कर देंगे। देखो तो मैंने ठीक किया क्या, बताओ ये बेस वाली बात समझ में आई क्या। जिनका ये हो गया मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक लिख देती हूँ, ठीक है, आंसर क्या आ रहे जरा बता रहा मुझे भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हो गया, 3, 4, 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 0.004 हम ले चुके हैं ना पहले, कुछ और नंबर लिखे, 4, 5, NaOH, ठीक है, pH कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नोट कर लो, कनेक्शन फिर से अभी ज्वाइन होगा तो फिर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, सोनी, शुभांकर, नेक्स्ट वाला करके बताओ। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन डन, नीचे वाले स्टार्ट करें, क्रॉस तो नहीं करना मुझे। तो स्टार्ट करते हैं शुभांकर के साथ, शुभांकर बताओ कैसे स्टार्ट करेंगे। मैम वो चाहे ना तो बेस, एक मिनट, पहले स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ मुझे क्या डिसाइड करना है, एसिड होगा या बेस, तो OH आयन है, दैट मींस ये बेस है। मैम अल्फा और नहीं दिया तो फिर स्ट्रांग है, अल्फा एंड के बी, बेस का के बी होता है नॉट गिवन, इसका मतलब ये स्ट्रांग है, ठीक है। अच्छा तीसरी बात, कंसंट्रेशन, पहले कंसंट्रेशन को कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में, जितने भी पॉइंट हैं वो पूरा ऊपर उधर ले जाओ, तो ये यहाँ पे सी आपका 0.0025, तो तुम इसको लिख दोगे 25 × 10⁻⁴, ठीक है। अब देखो 10⁻⁴ को देखो, जितने भी डेसिमल प्लेसेस है डाइल्यूट, हाँ तो ये डाइल्यूट है, क्यों है डाइल्यूट, कैसे पता चला, कैसे पता चला डाइल्यूट का रेंज बताओ, नहीं पावर -1 से -6, हाँ वेरी गुड, 10⁻⁻⁶ मोलर उसके बीच में है इसलिए ये डाइल्यूट है, वेरी गुड। अब फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाओगे,
POH is equal to minus log OH. चलिए तो ये था POH is equals to negative log of OH minus, ठीक है, ये वाला डाटा था, इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं, माइनस लॉग 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, देन माइनस लॉग 25 माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 4, ठीक है, माइनस लॉग 25 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये माइनस माइनस प्लस 4 log 10, फिर माइनस का 2 log 5 प्लस 4 log 10 तो 1 होता है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 2 into 0.6991 प्लस 4, ठीक है, कितना आ रहा है जरा मुझे भी बता दो मैम, 11.398, एक मिनट, ये तो आया POH, पहले POH बताओ फिर pH करेंगे मैम, POH मैम 2.6018 और pH हो जाएगा 14 माइनस 2.6018 कितना आ गया 11.3982 देखना बाकी सब लोग का भी यही आ रहा है क्या, क्योंकि 11 क्लास 7 में के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी नंबर था क्वेश्चन नंबर में भूल गई, आई थिंक 6 नंबर होगा, तो अब लेते हैं 10 की पावर माइनस 8 मोलर NaOH, चलिए किसी से पूछेंगे, आज अध्याय नहीं है अंबर, यस मैम, बताओ मैम अंबर, अल्फा या के बी नॉट गिवन, इसका मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, हाँ फिर बताओ मैम, वेरी डाइल्यूट है मोर देन 8 मोलर, तो ये वेरी डाइल्यूट है, कैसे पता चला वेरी डाइल्यूट है मैम, बिकॉज़ इट्स मोर देन 10 टू द पावर, मोर देन की लेस देन मैम, मोर, अच्छा मैम मोर देन, अरे माइनस में वैल्यू है तो लेस नहीं होगा, अरे यस मैम ना, प्लस में 8 बड़ा होता है तो माइनस में 8 छोटा होगा ना, 6 है, हाँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 मोलर है तो इट इज लेस देन 10 की पावर माइनस 6 यानी वेरी डाइल्यूट, अच्छा आप बताइए क्या फॉर्मूला लगाऊं मैम, लॉग OH माइनस प्लस 10 की पावर माइनस 1, एक मिनट फॉर्मूला बोलो पूरा मैम, लॉग OH माइनस प्लस POH इक्वल्स टू माइनस लॉग, हाँ आगे OH minus OH minus plus 10 to the power minus 7, very good, रखो वैल्यू, बोलती जाओ बल्बल, अभी OH की वैल्यू कितनी रखूं मैम, 10 to the power minus 8 plus 10 की पावर minus 7, अब क्या करूं मैम, इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, 10 की पावर minus 7 कॉमन ले लेते हैं, यस मैम, तो इधर बच गया आपका 0.1 plus 1, ठीक है, ये फिर आ गया आपका पॉइंट में आ गया 10 की पावर माइनस 7 इंटू 1.1, तो इसको yes, मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 की पावर माइनस 8 इंटू 11, शुड आई राइट दिस, यस मैम, अब ये लॉग 11 ये तुम्हें नहीं पता, लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, मैं लॉग टेबल नेक्स्ट क्लास में लॉग टेबल देखना बताऊंगी, ठीक है, मैं एक्चुअली आप लोगों को कहना भूल गई कि लॉग टेबल जो जिनके पास है वो लेके बैठना, किसी ना किसी बुक के पीछे मिल जाती है, ठीक है, और एक मिनट में देखती हूँ जल्दी एनसीईआरटी के पीछे तो नहीं है, इसकी भी बैक साइड पर किसी ना किसी बुक में, बुक की बैक साइड पर आपको मिल जाएगी लॉग टेबल, इजीली अवेलेबल है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लॉग टेबल सब लोग अपने सामने रख के बैठेंगे तो मैं एक बार लॉग एंटी लॉग देखना आपको बता दूंगी, ठीक, तो ये आ गया आपका 11,
इसको जरा हम एक्सपेंड कर लें, तो माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8 माइनस लॉग 11, तो माइनस 8 को क्या लिख दोगे, 8 माइनस लॉग 11। लॉग 11 की वैल्यू एक मिनट में तुम्हें देख के बताती हूँ, एक्चुअली मैं खुद भी लॉग टेबल ही लेके बैठी आज तो देखती हूँ अगर मेरे पास एक बुक में है जो बुक है मेरे पास है, मैं अभी तुम्हें लॉग 11 देख के बताती हूँ। लॉग 11 इज तो ये हो जाएगा 1. लॉग 11 होता है माइनस 8 माइनस 1.0414, जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट लिखनी होती है, ठीक है। ये POH आया है लॉग 11 की, ये वैल्यू ये मैंने आपको अभी दी है, ठीक है, लॉग टेबल देख करके। लॉग 11 या आगे की वैल्यू आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसके लिए लॉग टेबल है, बस 1, 2, 3, 5 याद करो, ठीक। POH आ गया, यहां से फिर PH निकालेंगे 14 माइनस POH, बताओ तो POH कितना आ रही है, हो गया 11th क्लास, ये हुआ मैम 7.04 है, ये आ रहा आपका 7.04, तो ये 14 माइनस मैम POH, ये POH की बात कर रही थी, POH तो 6.96 है, ये आ रहा आपका 6.96 और ये 6.96 किया तो 7.04 आ गया। देखना सबको ये आ रहा है क्या कुछ, चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.001 m CH3COOH having having 40% आयोनाइजेशन, ठीक है, कैलक्यूलेट इट्स pH, कैलक्यूलेट इट्स pH, बस यहां तक बताओ। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर मैं भूल गई, क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद से, तीन मैंने एसिड के तीन बेस के करा है, तो इस एस्टिमेशन से 7 होना चाहिए। अनिकेत, अनिकेत ओके गर्ल, एक तो तुम लोगों की आवाज सुनने में इतना टाइम लग जाता है, गर्ल जल्दी रिस्पॉन्ड करो, गर्ल्स अच्छा आशुतोष आशुतोष जल्दी, कृष्णा कृष्णा हर्षित 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 कहाँ हैं आप सब, हर्षित रिस्पॉन्ड करो, हाँ हर्षित
बताओ कौन सा केस है, लिख के बता दो फटाफट, क्या क्या दिया है पहले वो सेग्रीगेट करो। हाँ आशुतोष क्या क्या दिया है, कौन सा केस है, कौन सा फॉर्मूला बताओ फटाफट। जल्दी बताओ हम वेटिंग। सी यहाँ पे देखो, जो मोलैरिटी होती है वो सी करी जाती है, 0.001 है, ठीक है। और कंपाउंड है CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं, आप लोग इस नाम से फैमिलियर होंगे। जब भी कोई परसेंटेज हो, 40%, परसेंटेज कांस्टेंट नहीं हो सकता, परसेंटेज कौन होगा, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब भी परसेंटेज वर्ड लिखा, परसेंटेज अमाउंट लिखा हो, मतलब वो हमेशा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एक ही बात है। तो यहां पर सी और अल्फा दे दिया, देख के बताओ ये कहानी एसिड की है कि बेस की, मुझे किसी का भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं मिला अभी तक। सोनी यस मैम, हाँ बोलते जाओ फटाफट। सबसे पहले डिसाइड करते हैं एसिड या बेस। यस मैम बेस है। नहीं सोनी, ये एसिटिक एसिड है भाई। अब देखो केमिस्ट्री को सब इसीलिए बुरा बोला कहते हैं क्योंकि एक्सेप्शन बहुत आ जाते हैं। ये ऐसे आयनाइज होता है सोनी, ठीक है। मतलब जब मेटल के साथ O और H लगा होता है, यहाँ कहीं कुछ मेटल नहीं है ना बेटा, ठीक है, तो इसलिए ये H प्लस है और एसीटेट आयन है। तो बिकॉज इट इज हैविंग H प्लस, इट इज एन एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या है एन एसिड, ये लिख देती हूँ, ठीक है। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, ठीक, ये एक एसिड है, ओके मैम, ठीक है। क्योंकि मेटल नहीं है, हमेशा जो बेस होंगे KOH, NaOH मेटल के साथ जुड़ा होगा OH, ठीक है। तो मेटल के कंपैरिजन में OH बॉन्ड नहीं टूटता, मतलब मेटल बॉन्ड नहीं टूटता, तो वो बेस बन जाता है। अच्छा अब ये बताओ सोनी, ये स्ट्रांग है या वीक। मैम वीक। कैसे पता चला, फॉर्मूला तुम्हें पता है, एच प्लस के दो फॉर्मूला है, उसमें से अल्फा वाला लगा दो सी अल्फा, ठीक है। तो तुम लगा दो की नेगेटिव लॉग ऑफ सी अल्फा, सी अल्फा को लगाते हैं। सी कितना है यहाँ, सी है आपका 0.001, शुड आई राइट कि इट इज सी होता है 0.001 यानी 10^-3 मोलर। एल्फा इज 40%, 40% को हमेशा 40/100 लिख रहे हैं, ठीक है, 0.40 लिखोगे। तो इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 10^-3 इंटू, अच्छा 0.40 लिखती हूँ अभी तो मैं, क्योंकि मुझे लॉग में लेना है। लॉग में कभी भी डेसिमल वाला, डेसिमल को अपीयर मत होने दो, उसको 10^ में कन्वर्ट कर दो साइंटिफिक नोटेशन में। तो तुम इसको लिखोगे 10^-3 इंटू 4 इंटू 10^-1, ठीक है। मैं ये लिख सकती हूँ 4 × 10^-1, ओवरऑल बन गया आपका 4 × 10^-4, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, -log 4 -log, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए मैम, मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया, मेरे क्वेश्चन आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत आराम। ये क्वेश्चन है ब्लू कलर का, क्वेश्चन नंबर 7।
हो क्या? मैम पीएच 10.6 है। देखते हैं, मैंने तो रैंडम क्वेश्चन दिया है, एक मिनट मैं निकालती हूँ। पीएच आ जाएगा आपका 10.6 क्यों आ रही? तो पीएच है ये, तो मैंने एसिडिटी तो दिया है, देखो यही तो आ रहा है। ये एक बार चेक करो, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। देखो जो मैंने किया वो ठीक किया क्या? सी मैंने रख दिया 10.6 रखने के बाद। यही आ रहा है 3.39 समथिंग। चलो ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, इस बार ना तुम लोगों का पेपर रीच एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच ज्यादा आएगा, तो इसलिए मैंने जो तुम्हें ये पैटर्न से करवाया ये थोड़ा सा लेंथी लग सकता है। तुम लोगों को स्कूल में जो करवाया हो वो थोड़ा शॉर्ट में करवाया होगा। मैंने तुम्हें प्रॉपर सारी स्टेप्स बताए, इन स्टेप्स के बाद तुम किसी भी लेवल का इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये थोड़ा सा हो सकता है लंबा लगा हो, लेकिन क्लैरिटी के लिए ये जरूरी है, ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम, जे वाला भी पार्ट इसमें हो गया। हाँ बोलिए। मैं एक बार आप स्क्रॉल अप कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल, कहाँ तक? इसी में, इस क्वेश्चन के स्टार्ट। अच्छा ये लीजिए, चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। हो गया? मेरे यस मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन है जीरो पॉइंट वन मोलर BOH, कोई हाइपोथेटिकल फॉर्मूला आपको दिया है BOH हैविंग डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू Having dissociation constant equals to 2 into 10 की पावर माइनस 4, कैलक्यूलेट इट्स pH। केस देख के आइडेंटिफाई कर। सबसे पहले क्या क्या दिया है इस पर गौर करते हैं, ठीक है? तो ये किसी से पूछते हैं। सान्या, सान्या सान्या रिस्पॉन्ड करो। ओके सना, हाँ रिस्पॉन्ड करो इस पे, क्या क्या दिया है आपको, उससे जज करो। बेस है, और वीक है, ये कैसे पता चला? हमके केस में के बी की वैल्यू है। हाँ, जहाँ पे कांस्टेंट वर्ड आता है वो के है, तो यहाँ पे के बी गिवन है इसलिए ये वीक है। वेरी गुड। अच्छा कंसर, अभी सारे डाटा लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, डिसोसिएशन कांस्टेंट को के बी बोलेंगे, 2 × 10 की पावर माइनस 4। हाँ अब बताओ क्या फॉर्मूला लगाओ। मैम तो pOH equals to minus log kb into c। माइनस log OH माइनस, अब OH माइनस का क्या फॉर्मूला लिखोगे? अंडर द रूट kb into c, ठीक है? और kb into c को क्या लिख सकते हैं? kb into c की पावर हाफ भी लिख सकते हैं,
लॉग के एक्सप्रेशन में हाफ से इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, इसलिए फिर मैंने इसको कर दिया माइनस का हाफ लॉग के बी और माइनस का हाफ लॉग सी। देखो पहले मैंने इस टर्म में इसको ओपन कर लिया, मैंने ठीक किया क्या? अब इनकी इंडिविजुअल वैल्यू रख देते हैं। माइनस का हाफ लॉग के बी कितना है 2 × 10⁻⁴ और माइनस का हाफ सी कितना है 10⁻⁰। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का हाफ लॉग 2 और माइनस का हाफ इंटू 4, डायरेक्टली कर दिया मैंने इसको, और माइनस का हाफ माइनस माइनस प्लस इंटू 1। ठीक है, देखो मैंने ठीक सॉल्व किया क्या? माइनस का हाफ फिर लॉग 2 की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि हो गई आपकी 0.3010 प्लस 4/2 प्लस 1/2, दैट इज पी ओ एच। और यहां से जो निकलेगा उसको 14 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप पी एच आपके पास। देखो ये समझ में आया क्या? इस चैप्टर में पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस पैटर्न से सॉल्व होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने एक साथ समराइज तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया। अब बस ये चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। मैम 11.6 मैथ आ रहा है। क्या आ रहा है? 11.PH 11.6 PH। ओके, और POH कितना आ रहा है? मैम 2.35। देखना सबको यही आ रहा है क्या? तो आप इस तरह से पीएच के आपके एनसीईआरटी में डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट के क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, वो आप सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तो मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में जितने भी फॉर्मूलाज हमने किए हैं वो मैं सबसे सुनूंगी। सुन लिया? तो फॉर्मूला पार्ट सबको अच्छे से मैंने हालांकि लास्ट क्लास में भी कहा था इस क्लास में सुनूंगी, लेकिन मैंने नहीं सुना, ठीक है, अगली क्लास में ये मैं सुनूंगी ताकि मुझे श्योरिटी हो कि हाँ ये चैप्टर तुम लोग को हो रहा है, ठीक है, और सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में बस एक पेज का करके और चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास। फिर हमें ऑर्गेनिक की स्टार्ट करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ तक में कोई डाउट कोई परेशानी हो तो बताओ। Excuse me, हाँ जी बोलिए। मैम वो लास्ट क्लास में इक्वेशन का डाउट था ना, आपने कराया था लास्ट में। हाँ। उसमें मैम को एक चीज और पूछनी थी, वो उस टाइम आप चले गए थे ना, तो आप अभी वो निकाल दोगे? एक मिनट निकाल दी मैं वो क्वेश्चन। उसमें तुम्हें कहाँ डाउट था कुछ पहले स्टेप बता दो मुझे, एक मिनट में निकाल दूं मैं सब कुछ। यस मैम। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसमें तुम बताना। x प्लस y से 2z इक्वेशन थी, ठीक है, 1 मोल x दिया था, 1.5 मोल y था और 0.5 मोल z था, ठीक है, टेकन इन 1 लीटर वेसल था, फिल्ड एंड अलाउड टू रिएक्ट। फिर एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ z 1 मोल दे दी गई थी, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी थी x बाय 15, तो वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी थी। अब इसमें तुम्हारी कहां पे प्रॉब्लम थी?
मैम प्रॉब्लम आती है हम जेड के लिए पहले एट इक्विलिब्रियम 0.5+2 लिखे थे। अच्छा मैं एक मिनट एक्सप्रेशन बना देती हूँ। अच्छा बच्चों ये हो गया है, ठीक है ये यहाँ तक का हो गया। मैं इसको जरा अपनी रिकॉर्डिंग से पहले हटा रही हूँ। ठीक है ये लिख लिया ना सबने?